नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ आज के शासन स्तर की मीटिंग में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो भी सूचनाएं आप लोगों को दी जाती हैं वो सूचनाएं पूर्णतया सत्य होती हैं, तार्किक होती हैं और वही चीजें आप लोगों के सम्मुख आती हैं। पहले ही मैं बता चुका था कि नवंबर के पहले आपका टीजीटी पीजीटी नहीं होगा और वही चीजें अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी कन्फर्म होती हुई दिख रही है। रही बात आपके सीटों को ऐड कराने के संबंध में विज्ञप्ति आज जारी कराने को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग जिसकी अध्यक्षता श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है और उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी भी मौजूद थी और साथ ही साथ शिक्षा निदेशक के साथ साथ आपके जेडी वगैरह भी उपलब्ध थे। तो सभी लोगों के सम्मुख जो चीजें जो बातें हुई हैं उनका सारांश मैं आप सभी लोगों को सम्मुख उपस्थित करता हूँ। पहली चीज ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल किया जाए अथवा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए, इसको लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और गुलाब देवी सहित कई गणमान्य अधिकारी भी सहमत हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्थान पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। अर्थात आप सभी लोगों की आगामी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अभी शासन ने इस पर मंजूरी नहीं दी है लेकिन पूरी तरीके से इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 15 सदस्यों का चयन करना ही मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से 15 सद्यों का चयन करना इस बात का द्योतक है कि आपका नया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ही गठित होगा, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए घबराइए नहीं कि मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगर बहाल नहीं होगा तो आपकी परीक्षा डिले होगी या कुछ आपको समस्याएं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही स्मूथली सारी चीजें चलेगी। ठीक है, और आपको बता दूं 90% पूरी संभावना बन चुकी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह पे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों के सम्मुख आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अध्यक्ष जो इसके वीरेश कुमार राय जी हैं, ये तो कभी कार्य करते नहीं है, कार्यालय तो कभी आते नहीं है, अभ्यर्थियों से मिलना नहीं चाहते हैं, तो इनको जो है चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऐसी नियमावली है कि सदस्य और अध्यक्ष जब तक स्वयं से जो है अपना इस्तीफा ना दें तब तक राज्य सरकार भी उन्हें नहीं हटा सकती, इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही विघटित करने का एकमात्र विकल्प राज्य सरकार के पास बचता है और उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें जो है कार्यवाहियां भी आरंभ हो चुकी हैं। अर्थात अब जो है नए अध्यक्ष, नए सदस्य, नए उपाध्यक्ष, नए परीक्षा नियंत्रक, नए सचिव, सारी चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जो चीजें होंगी वो शासन स्तर पर बहुत जल्दी ही इसको की जाएंगी क्योंकि आपके इंटीग्रेट और जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ कई और विज्ञापन आदि भी जारी किए जाएंगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से और लोक सेवा आयोग पे भी बहुत ज्यादा बर्डन है। इस वजह से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्ती का विज्ञापन जो है जारी हुआ था उसका पूरा जिम्मा जो है इस आयोग को सौंप दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि न तो एडेड जूनियर को सहमति मिल पा रही है, न ही आपके यूपी टेट को सहमति मिल पा रही है, न सुपर टेट को सहमति मिल पा रही है। उसकी एक वजह है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पूरी तरीके से समाप्त किए जाने का विचार शासन स्तर पर तैयार हो चुका है और आज की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई थी। ठीक है, तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के अधिकारियों ने जो प्रस्ताव शासन के सम्मुख रखा है उसमें नए संशोधित परिणाम आदि को जारी करने तथा जिला आवंटन सूची के साथ साथ सारी चीजें जो है डिक्लेयर करके 15 दिन के भीतर काउंसलिंग आदि कराने के कार्यक्रम पर मोहर लगाने के लिए शासन के प्रस्तुत सम्मुख जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और शासन ने इस पे स्वीकृति भी दी है कि परिणाम आदि के विषय में जो है आप लोग कार्रवाई आरंभ करिए और इस भर्ती प्रक्रिया को कम्प्लीट करिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसका परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको जिला आवंटन सूची आदि भी देखने के लिए मिलेगी, इसकी काउंसलिंग बहुत जल्दी कम्प्लीट होगी। अब बात करेंगे आपके नए एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए आज श्रीमती गुलाब देवी ने कड़ी फटकार लगाई है जेडी को, शिक्षा निदेशक को, साथ ही साथ आपके जो है मतलब बीआईएस वगैरह को भी।
उन्होंने कड़ी फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है विज्ञापन फंसा रखा है सिर्फ एक विषय के मध्य। एक विषय के कारण आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन 10 महीने से लटका है और आज उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि विद इन 7 डेज इस मैटर को क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद जो है विज्ञापन आज जारी करिए। ठीक है, क्योंकि राजकीय विद्यालयों का जो स्थितियां है वो स्थितियां बहुत ही दयनीय स्थितियों में पहुंच चुकी है। कई कई विद्यालयों के ताले तक नहीं खुले अभी तक राजकीय विद्यालयों के, ये कंडीशन है। ठीक है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है असहमति दिखाई और उन्होंने भी नाराजगी दिखाई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए सख्त लहजे में कि इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए और जहां भी पदरिक्त है उन पर आप जो है मतलब वैकेंसियां निकाल करके आप अध्यापकों की भर्ती याद करिए। और जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव जो है उनके सम्मुख प्रस्ताव लिया गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ जो है आपके नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में यूपीटेट के विषय में जब उन्होंने चर्चा की तो बैठक में मौजूद संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे उनपे जो मतलब सारी चीजें पूछी गई हैं। छात्र और शिक्षक के अनुपात के विषय में उनको पहले पे फटकार लग चुकी है इसलिए आजकल उनकी बयानबाजियां बंद है ना। और रही बात है इन सारी चीजों को तो रिपोर्ट देखने के बाद शासन ने इस बात को लिए कहा कि आगामी समय में बताया जाएगा, अर्थात शासन का इशारा स्पष्ट है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, पीएनपी आदि जैसी निकम्मी संस्थाओं को समाप्त किया जाएगा क्योंकि पीएनपी कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाई है, हमेशा ही उसके कार्य विवादों में रहे हैं, चाहे वो 68,500 को ले लीजिए, चाहे वो 69,000 को ले लीजिए, चाहे वो टेट 2021 को ले लीजिए या कोई भी टेट ले लीजिए सन 2018 से लेकर के आज तक का, हमेशा विवादों में ये संस्थान रही है, इसलिए इस संस्थान को समाप्त कर देना ही उचित है। और मैं इस शासन के इस प्रस्ताव का पूरी तरीके से सहमति से जो है पूरी तरीके से उनको जो है एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है पीएनपी को समाप्त करने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सर्वप्रथम एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए कि कब तक इसका विज्ञापन आएगा, तो 15 अगस्त के बाद इसके विज्ञापन पर पूरी तरीके से सहमति बन जाएगी कि अगस्त माह में किस तारीख को इसका विज्ञापन जारी किया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयारी करिए, यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप 97/47/85 पर टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपी पेट साथ ही साथ एसडीआई आदि का नोट्स जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसका आप प्राप्त कर सकते हैं, मार्जिन रेट पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को मजबूती से अपनी सफलता की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि उसकी एक वजह है, वजह यह है कि बेहतरीन तैयारी आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकती है। महंगे कोचिंग संस्थान, महंगे आपको टेक्स्ट बुक वगैरह खरीदने से कि झंझट से मुक्ति मिलेगी, ये टेक्स्ट बुक से बनाया गया मैटर है इसलिए आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। गाइडें जो मार्केट में उपलब्ध हैं ये गाइडें आप सभी लोगों को सफलता कभी नहीं दिला सकती हैं, गाइड आपको मार्गदर्शन जरूर दे सकता है, एक आधार जरूर दे सकता है कि इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की गाइडें हैं मार्केट में उन्होंने पूरे सिलेबस का गुड़ गोबर करके रख दिया है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें टेप दिए है ना कि आप पढ़ेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, कहां जाए कैसे ऐसे सिलेबस में बदलाव हो गए। अरे अभी सिलेबस में कुछ नहीं बदलाव हुआ है, बस आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी में बढ़ाया गया, अर्थात जो प्रश्न पहले आपसे सीधे सीधे पूछे जाते थे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ये चीजें होती थी तो आप सीधे सीधे एक लाइन पढ़ते थे कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, तो ये चीजें होती थी आप उसमें टिक मार के चले आते थे, लेकिन अब जो चीजें हैं उसको पूछने का तरीका उसका अलग हो गया है। ठीक है ना, तो इस क्रम में मतलब जो चीजें होती हैं थोड़ा सा विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने में समय लगे जो चीजें हैं है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को भी स्टैंडर्ड क्वालिटी में देखने के लिए मिलेगी हमारे नोट्स में। आप 97/47/85 इस पे आप नोट्स आदि की बुकिंग करिए और अपने घर बैठे 3 दिन के भीतर अपने नोट्स को आप प्राप्त कर लीजिए। छुट्टी बाद जिन विद्यार्थियों ने नोट्स आदि बुक किए हैं उन विद्यार्थियों के नोट्स उनको प्राप्त हो जाएंगे। 1-2 दिन डिले हो सकता है क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी, एक रक्षाबंधन पड़ गया, एक संडे पड़ गया, कल जो है स्वतंत्रता दिवस है, ये सारी चीजें जो है मतलब आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के नोट्स आज बुक करिए 97/47/85 पर। आज आप सभी लोगों को स्पेशल रेट पर, चूंकि कल स्वतंत्रता दिवस है तो हमारे भाई बहनों के लिए
आप सभी लोगों के लिए विशेष ऑफर के तहत आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। याद रखिए 97 41 83। और एक बात, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो भी आपसे न्यूज आपको देता है वो न्यूज लगभग लगभग 98% सत्य होती है। ठीक, 2% कभी ऐसा वैसा होता है कि शासन स्तर पे मूड बदल जाता है और चीजें बदल जाती हैं, वो अलग बात है। रही बात आपके पदों को ऐड करने के विषय में, तो पद ऐड हुए हैं लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्वयं हाँ से क्वेश्चन मार्क पे है। क्यों क्वेश्चन मार्क पे है? कि मतलब वो बहाल होगा कि भंग होगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। जिस दिन ये चीजें शासन स्तर पर भी डिक्लेयर हो जाएंगी और शासन क्लियर कर देगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, बहाल होगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, तीन आयोग इसमें मर्ज किए जाएंगे, पहला प्राथमिक स्तर का, दूसरा है आपका उच्च लेवल का और तीसरा माध्यमिक लेवल का, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है तब आप सभी लोगों को विज्ञप्तियां आज भी देखने के लिए मिलेंगी कि मतलब कितने सीटें इसमें ऐड की गई हैं। जो सूचना है हमारी वो सूचना इसी बात की है कि 7700 पद इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है, 7700 पद इसमें ऐड किए गए हैं और समस्त वर्गों में समस्त विषयों में सीटों की संख्या कुछ न कुछ अवश्य बढ़ी है। जो जिन वर्गों में सीटें नहीं थी उन वर्गों में भी सीटें हुई हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। और एक बात, आप सभी लोगों को एडेड जूनियर की जो भर्ती प्रक्रिया है इसी अगस्त माह में ही देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि शासन स्तर पर भी इस पर सहमति बन चुकी है लगभग, ठीक है। और इसका परिणाम आप सभी लोगों को अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो 24 से 48 घंटे के भीतर आप सभी लोगों को इसका परिणाम रिवाइज चीजें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसका परिणाम जारी होते ही आप लोगों की मेरिट आदि भी जारी होगी और आपके काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। रही बात आपके एडेड जूनियर की काउंसलिंग आदि कब तक कंप्लीट होगी, तो पूरा यकीन है कि 15-20 दिन के भीतर आप सभी लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भी अधिकारी मौजूद थे वहां पे और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए जब अध्यक्ष महोदय ने अर्थात मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के लिए पूछा कि गृह मंत्रालय से आपको सहमति मिल चुकी है, धन भी आवंटित किया जा चुका है, फिर क्या देरी है कि आप यूपी कांस्टेबल और नए यूपीएसआई का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे। इसमें वहां के कार्यकारी अधिकारी ने इस बात को शासन से बताया, मुख्यमंत्री महोदय से बताया कि कुछ प्रक्रियाएं जो मतलब चल रही है हमारी टेंडर आदि की प्रक्रिया चल रही है कि कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी, कौन सी एजेंसी बुकलेट जांचेगी, कौन सी एजेंसी परिणाम तैयार करेगी, ये सारी चीजें टेंडर आदि की प्रक्रिया हमारी चल रही है और उसके बाद जो है मतलब हम विज्ञापन आज जारी करेंगे और कुछ मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं यूपीएसआई आदि को लेकर के, तो उन सारी चीजों को हम देख करके तब विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, इसमें उन्होंने सहमति जताई है। तो आपके लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो पॉजिटिव चीजें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जब फील्ड में रहता है तो आपको दिखती हैं, लेकिन आप इसी चैनल को प्रमोट नहीं करना चाहते हो, इसी चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, ये आपकी सबसे गंदी आदत है। गंदी आदत इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि आप इसको जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, आप इसे प्रमोट नहीं करना चाहते हो, वीडियो को लाइक नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो। मैं देखता हूं मेरे चैनल पर जो विजिट करने वाले होते हैं उसमें लगभग 73% नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फिर भी वो हमारे चैनल को देखने के लिए आते हैं। और आप लोग जहां जहां मतलब जाते हो, जिन जिन चैनलों को विजिट करते हैं ना उसकी जानकारी भी हमें होती है, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि मतलब पॉजिटिव चीजें जब हम आप रिपीट करने लगते हैं, सारी चीजें बताने लगते हैं आप लोगों को, तो वो लोग भी जो है सीआर की तरह हुला 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 हुक्का हु करने लगते हैं। वजह है उसकी, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम मौजूद है ना तो आपके लिए पॉजिटिव चीजें निकल करके आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर और नोट्स आदि बुक करना है तो 97 41 83 पर आप लोग इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। कब स्वतंत्रता दिवस है और आप लोग स्वतंत्रता का जश्न को धूमधाम से मनाइए। यह हमारी आजादी का 75वां वर्ष है और ये अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव को घर पे तिरंगा लहरा करके आप लोग मनाइए, मिठाइयां बांटिए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाइए और राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी लोग जरूर राष्ट्रगान गाइए, वंदे मातरम गाइए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नोट्स आज प्राप्त करने 97 41 83 85 पर बुक कर सकते हैं और जो चीजें जो शासन स्तर की जो भी खबरें होंगी जो भी मीडिया में आने से पहले आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारी सटीक जानकारी वो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होती है, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ।